जो जब वहां से रेट आए, जब ब्रह्मा जी जब रूट आए, जब वहां से तो ब्रह्म कुंड बन गया। यहाँ बिल्कुल पास में ही ब्रह्म कुंड है। जब ब्रह्मा जी रोए थे तो उनके आंसुओं से ये कुंड बना है। इसके बारे में यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे भी हम आपको अवगत कराते हैं। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। जी, ये भागवत में दसवें स्कंद का 13वां, 14वां और 15वां अध्याय है। जी, दसवें स्कंद। जी, भगवान श्री कृष्ण अघासुर का वध करने के बाद 55 में है। ये बाजू में बगल में अघासुर का वध किया और वध करने के बाद जो सामने जो दिख रहे हैं ग्वाल चबूतरा जो गोल राउंड में है। जी, ये ग्वाल चबूतरा है। इस पर बैठ करके भगवान छाक लीला कर रहे थे, जो खट्टी कड़ी खा रहे थे मद मंगल की। तो जब सखा बैठ के प्रसाद पा रहे थे तो ब्रह्मा को मति भ्रम हुआ, ये भगवान तो हो नहीं सकता क्योंकि अभी इतने बड़े राक्षस का वध किया, ऐश्वर्य लीला दिखाई है और तुरंत प्रेम लीला होने लगी। प्रेम लीला देखी तो प्रेम में तो बिल्कुल देख रहे हैं कि खट्टी कड़ी के लिए रो रहे हैं, बिल्ला रहे, खट्टी कड़ी को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान ने उस खट्टी कड़ी को छुड़ा लिया और उसको मुंह में डाल रहे हैं और कुलचे मार मार के सखा लोगों से भी भगवान प्रसाद खट्टी कड़ी को चूस रहे हैं और भगवान भी ऐसे चाट रहे हैं। तो मति भ्रम हो गया ब्रह्मा, बोले भगवान नहीं हो सकता, इसको मैं दंड दूंगा। हाँ। तो यहाँ से गाय और बछड़ों को हरण किया, नीचे यमुना जी है, यहाँ से गाय और बछड़ों को हरण कर लिया है। जब भगवान श्री कृष्ण गाय बछड़ा देखने के लिए गए तो यहाँ से ग्वाल वालों को हरण कर लिया। भागवत मां दसवें स्कंद का 13वां 14वां अध्याय, जब हरण कर लिया है तो भगवान श्री कृष्ण अकेले रह गए। तो उन्होंने अपने अर्ध शरीर में से वही ग्वाल वाल बछड़े बनाए और एक वर्ष तक भागवत जी के अंदर ये लीला प्रारंभ रखी भगवान ने, क्योंकि यहाँ से 3 लीलाएं प्रकट होती है, क्योंकि ब्रजवासियों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया। क्योंकि ब्रजवासी इच्छा थी कि भगवान यशोदा मैया का दूध पीते हैं, कभी हमारा भी पियेंगे कि नहीं पियेंगे। हाँ। सखी ग्वाल, अब जब भगवान ही स्वयं ग्वाल सखी सारे गोप वही बन गए, गाय बछड़े जब वही बन गए तो सारे ब्रज को आनंदित कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने पुनः देखने के लिए देखूं तो सही कि ये कैसा भगवान होगा, क्या है, देखा तो वही लीला चल रही है, गाय बछड़े वही चल रहे हैं। दौड़ करके ब्रह्मलोक में गए, देखो वहां तो नहीं भाग गए, वहां गए तो वहां भी वही गाय बछड़े हैं। यहां लौट करके आए, देखा तो यही गाय बछड़े हैं। तो आगे चरण कमल पकड़ लिए और भागवत जी में 14वें अध्याय में और 15वें में 44 श्लोक बोले, जैसे ब्रह्म स्तुति कहते हैं। अश्रु प्रभु हुआ है, आंसू निकलने लगे, जो रोने लगे, बोले प्रभु आपने तो दिया हुआ है, मेरी क्या गलती है, जैसे क्षमा याचना की है, एकदम समय वाग्रे बोल करके। तो ये सामने ब्रह्म कुंड है जी। ये आंसुओं से बना हुआ यही वो कुंड है जो अश्रु प्रवाह हुई है। लेकिन 44 श्लोकों में भगवान ने क्षमा नहीं किया है। हाँ। बोले तू क्षमा का पात्र नहीं है। अच्छा। तू दंड का पात्र है, क्योंकि तूने वो कर्तव्य किया है कि जो मेरे प्राण है ब्रजवासी उनको मेरे से एक साल के लिए अलग दूर किया, इसलिए आपको ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा दे करके आओ। तो ये अंतिम मुकाम पड़ता है, संसाधन कम होने की वजह से ये पहला स्थान है, यहाँ से प्रारंभ हुई थी ब्रज 84 को, पर यहाँ सुविधाएं न होने के कारण, जंगल होने के कारण ये अंतिम मुकाम रह जाता है, क्योंकि मथुरा से प्रारंभ करते हैं और ये अंतिम दिन का मुकाम यहाँ होता है। तो ये जब यहाँ से गाय ब्रह्मा जी गए और देख करके आए और चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैंने तो किया है, तो ब्रह्मा ने कहा अब तो आनंद के साथ आनंदित रहो करके यही ब्रज का आनंद ले। तो ये बोली ला भागवत बड़ी सुंदर वर्णन किया है बाल सुबोधिनी जी में, भागवत जी में, चेतन चरितमृत में आपका वर्णन है। तो ये यहाँ बल्लवाचार्य महाप्रभु जी की बैठक है, ग्वाल चबूतरा के दर्शन है, ब्रह्म कुंड के दर्शन है, और जो मंदिर से आए वो बच्ची बिहारी मंदिर के दर्शन है। और जो अघासुर का वध किया था वो कौन सा है? वो ये जहाँ से जाओगे बरहरा गांव पड़ता है, ये 4 कदम आगे पे। अच्छा, बरहरा। बरहरा। हाँ, तो बिल्कुल आज भी वो जमुना जी के किनारे पे ही है, क्योंकि बरहरा का मतलब होता है अघासुर का रूप था जो सर्प के आकार में रहता है, या सर्प बहुत निकलते हैं आज भी। अच्छा। एक ओष्ठ तो नीचे था धरती में और एक आकाश मंडल में था। हाँ। तो मैया ने मना किया उनको कि भाई यहाँ ब्रज लोग में ब्रजवासी हैं, संत हैं, निवास करते हैं कुटियाओं में, अपमान मत करना। भगवान के मना करने के बाद भी उसको वो गुफा समझ रहे थे। अच्छा। बोले संतों के दर्शन करे आए। हाँ हा। ये भी भागवत के दसवें स्कंद के 12वें अध्याय में, 12वें और 13वें में। तो जब अघासुर के वो उसके मुंह में चले गए थे सारे, भगवान नहीं गए, बाहर हाँ। बैठे रहे। अब जब तक भगवान नहीं जाए तो उसका उद्देश्य पूरा कैसे हो? तो उन्होंने अपना मुख जब तक बंद नहीं किया जब तक भगवान उसके अंदर प्रविष्ट नहीं हुए। और भगवान जैसे ही उसके अंदर गए हैं तो अघासुर जो सर्प के आकार में रहता है तो उसने अपना मुखारविंद बंद किया है। तो जब अघासुर का वध जब हो गया तो उन्हें भूख लगी, तो जब यहाँ बचपन में आए, ये बिल्कुल बाजू में ही किया बद, ये यहाँ बचपन में। तो अब हम आपको लेके चलते हैं उसी ब्रह्मकुंड के दर्शन करवाने के लिए। यहाँ से रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम आपको उस ब्रह्मकुंड के दर्शन आप अवश्य करवाएंगे चल के। चलो ऐसे ही चलते हैं, हम जाते हैं ब्रह्मकुंड के दर्शन, आते हैं प्रभु अभी और लौट के अभी हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अरे बिल्कुल, ब्रह्म बावड़ी के भी फोटो खींचना प्रभु। हाँ हाँ, अभी आएंगे।
चलो भाई बोलते चलो, बड़े कठिन रास्तों के साथ में आज आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता है नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर इस रास्ते होकर आपको लेकर चलते हैं उस ब्रह्मकुंड के दर्शन करवाने के लिए। कटीले रास्तों से होकर हम निकल रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर कांटे हैं और अनेकों तरीके की यहाँ पर विघ्न है, उस विघ्न को भी हम यहाँ पर आपको लेकर चलेंगे और उस ब्रह्मकुंड के दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। तो हम लेकर चल रहे हैं आपको, ये आप देख रहे हैं कितने यहाँ पर कटीले रास्ते हैं और अनेकों यहाँ पर आज भी तर्क निकलते हैं। तो हमें तो यहाँ पर तो ये आप यहाँ पर कर रहे हैं उसी ब्रह्म कुंड के दर्शन, बहुत ही अद्भुत। और अब हम आपको लेके चलते हैं ब्रह्म बावरी के दर्शन करवाने के लिए। यहाँ पर दोनों ही गाय बछड़ी दुपटाए ब्रह्मा जी ने, हाँ ये तो ब्रह्म गुफा है, ये ब्रह्म गुफा है। यहाँ की जो लीला है महाराज जी वो किस प्रकार से है, जहाँ तक कैसे उन्होंने जो ग्वाल बाल थे वो छुपाए थे? ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत स्थान पर आज हम आपको लेके आए हैं। ये ब्रह्म बावरी है, यहीं पर जब श्री कृष्ण जी के ग्वाल बाल सभी लेकर गए थे ब्रह्मा जी, तो इसी स्थान पर उन्होंने छुपाया था। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं ब्रह्म बावरी के, हम आपको यहाँ पर ब्रह्म बावरी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर अंदर जाना बिल्कुल मना है, क्योंकि अब ये जो ब्रह्म बावरी है ये काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से यहाँ पर डर लगता है, नीचे जाने में जाते नहीं हैं। तो हम यहाँ पर आपको बाहर से ही दिखा देते हैं और यहाँ के बारे में भी, यहाँ के जो बाबा हैं उनसे भी हम आपको यहाँ की जानकारी से अवगत कराते हैं। ये देखते हैं, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इसी जगह पर ग्वाल बालों को छुपा दिया था और यमुना महारानी यहाँ पर बिल्कुल पास है। यहाँ का एक क्षण, और जैसे ब्रह्मा जी आए उन्हें तो एक मिनट लगा, लेकिन जब एक मिनट लगा उतने समय में ही यहाँ पर एक वर्ष बीत गया और एक वर्ष में अनेकों लीलाएं हो गईं, उसके बारे में भी हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। महाराज जी ये जो ब्रह्म बावरी है इसमें कैसे छुपाए थे उन्होंने अपने जो बछड़े गाय थे वो किस प्रकार? ब्रह्मा जी ने भगवान के दोटा लिए नहीं, हाँ। जब जो गुफा में बैठा दिए बंद कर दी। अच्छा, तो वामदेव जब तो पर अच्छा लही भगवान जी, हाँ। ब्रह्मा जी ने, हाँ। जब तो माने कई बार जैसा ही डबे सही बार अपने माया रूपी से बना लिए, हाँ। और रास रच रहा छाट लाओ, ये सामने रास मंडल है जी, प्राचीन थी आए महाप्रभु जी के सामने बैठक है जी, 550 वर्ष पुराना एक झाड़ है। अच्छा, छौकर का, छौकर का, हाँ, सेवर का बोलते हैं। चलो दर्शन करो भीतर, हाँ। चलो भीतर, यहाँ पर एक 5,500 वर्ष पुराना यहाँ पर एक वृक्ष है जिसको छौकर का वृक्ष कहते हैं, और हमने ऐसा सुना है कि उस वृक्ष के नीचे कोई भी व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, लेकिन महाप्रभु जी यहाँ पर बैठे और उन्होंने यहाँ पर बैठ के तप भी किया। तो उसी वृक्ष के आज हम आपको यहाँ पर दर्शन कराते हैं। ये आप देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत स्थान, और आपको लेके चलते हैं उसी वृक्ष के दर्शन करवाने के लिए। जो बिल्कुल खोखला है उसमें कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन पेड़ आज भी जीवित है। किस प्रकार का ये पेड़ है, इसमें से दो शाखाएं निकल रही हैं, जो एक बल्लवाचार्य जी की बताते हैं और एक शाखा को यहाँ पर श्री इसलिए चार भजा थी। अच्छा, इसलिए चार भजा थी जी, दो गाय करी, हाँ। एक दो और दो मौजूद है जी, तो नीचे तक सुनिए ऊपर आ रहा है। अच्छा, ये 550 वर्ष पुराना है। ये देखें आप, बिल्कुल पास से हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। ये देखें आप, ये पेड़ बिल्कुल खोखला है, इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन आप ऊपर देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर आज भी इस पेड़ पर हरियाली है। ये 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष है।
बल्लभाचार्य जी की बैठ, ये आप सामने गोसाई जी की, गोसाई जी की, ये गोसाई जी की बाद में महाप्रभु जी की। अच्छा, ये गोसाई जी की है और यहीं पर बिल्कुल बराबर में ही महाप्रभु जी की बैठक है। ये महाप्रभु जी की बैठक है, ये देखिए आप यहाँ पर, ये महाप्रभु जी की बैठक है, ये देखें आप, बहुत ही अद्भुत। इसी स्थान पर बैठ के भजन किया करते थे, बहुत ही अद्भुत। आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको ऐसे ब्रिज की कण कण से, यहाँ की लीलाओं से आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय।